हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ग्रोथ कंप्यूटर सेंटर में। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब कवर करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने होम टैब को कवर किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर का बेसिक कोर्स। वहां पर आपको सभी वीडियो बिल्कुल इत्मीनान से एक सीक्वेंस में मिलेंगी, जहां से आप घर बैठे फ्री में कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर सकते हैं। तो आज हम पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब में इन सभी टूल्स को कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पूरे ओवरव्यू को समझा और साथ ही साथ होम टैब को समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस ग्रोथ कंप्यूटर सेंटर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट टैब में न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड, अगर आपको कोई न्यू स्लाइड लेनी है तो आप यहां से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, यानी टेम्पलेट ले सकते हैं, या आप एक ब्लैंक पर क्लिक करके एक ब्लैंक सीट ले सकते हैं, स्लाइड ले सकते हैं। तो ये आप जितनी चाहें उतनी स्लाइड ले सकते हैं, या आप सिंपल यहां पर क्लिक करते रहेंगे तो वो फॉर्मेट कॉपी होके इस तरीके से आपको नई स्लाइड मिलती रहेगी। उसके बाद अगर आपको स्लाइड पर जाते हैं, अब आपको बनानी है टेबल, तो आप यहाँ पर टेबल भी बना सकते हैं। यहां से आपको स्लाइड सिलेक्ट करनी होगी और टेबल पर जाकर आपको जितनी भी टेबल में रो और कॉलम चाहिए उतनी ही आप सिलेक्ट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इंसर्ट टेबल पर जाकर कॉलम कितने चाहिए और रो आपको कितने चाहिए सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जितने फिल कर देंगे उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो उतनी ही कॉलम और रो यहाँ पर निकल जाएगी। उसके बाद मान लीजिए आपने अगर दो कॉलम और दो रो बना दिए हैं, पांच कॉलम और दो रो, तो अगर आपको और आगे की जरूरत है तो आप सिंपल टैब बटन प्रेस करते रहेंगे और यहाँ पर आपकी रो बनती चली जाएंगी। जैसे ही आप टेबल बनाएंगे तो ये आपके टेबल से जुड़े हुए ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि हम एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में भी कर चुके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी सेटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर भर सकते हैं, या हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, और इसमें हेडर रो इसको टोटल रो को, फर्स्ट कॉलम को, लास्ट कॉलम को, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, जो कि हम एक्सेल के और एमएस वर्ड के टेबल के ऑप्शन में इसको कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में इसको कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट्स की, जिसमें हम इंसर्ट में जाते हैं पिक्चर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पिक्चर निकालनी है एक्सेल में पावर पॉइंट में इस स्लाइड में, तो आप सिंपल पिक्चर पर क्लिक करेंगे और ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो भी आपकी यहाँ पर फोटो होगी वो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई इमेज मेरे पास नहीं है, हो सकता है डेस्कटॉप पर हो, जैसे ये एक इमेज बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो इमेज है यानी कि हम पिक्चर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब पिक्चर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर में देखिए इंसर्ट को टूल ऑफ टूल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंसर्ट के अंदर जो टूल है, ये जो टूल होते हैं उस टूल के अंदर टूल निकलते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पिक्चर ली तो पिक्चर के अंदर भी फॉर्मेट के अंदर ये टूल आ गए। तो ये क्या है, ये पिक्चर पे ही काम करेंगे जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ये एमएस वर्ड या एक्सेल की जो वीडियो है वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो सिंपल आपको यहां पर क्लिक करना है। अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो ये एक ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जो भी नाम सर्च करेंगे और उसको सर्च करेंगे उसकी इमेज आ जाएगी और वहां से केवल आप इंसर्ट करके वहां पर निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमारा इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है तो हम ऑफलाइन भी जाकर पिक्चर को निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे कोई भी अगर एप्लीकेशन आपकी खुली हुई है तो वो यहां पर आ जाएगी, या आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पहुंच जाएगी, आपके फ्रंट पॉइंट पर पहुंच जाएगी यानी कि डेस्कटॉप पर। तो इस तरीके से आप उसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट जैसे ही लेंगे ये पिक्चर की तरह होता है, तो ये सभी काम पिक्चर की तरह करेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं फोटो एल्बम। अगर हमें फोटो एल्बम बनानी है
तो न्यू एल्बम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उन फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, और जब ऐड कर लेंगे यहाँ से कर देंगे इसको क्रिएट, तो ये हमारी एक एल्बम बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें फोटो ऐड करेंगे और जब फोटो ऐड कर देंगे तो हम उनको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर आती है सेव। अगर हमें कोई सेव ऐड करनी है तो हम यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे और जो भी हमें सेव ऐड करनी है हम उस सेव को यहाँ पर बनाएंगे, और जब हम सेव बनाएंगे तो ये सेव से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए सेव का कलर चेंज करना है, इसमें आउटलाइन चेंज करनी है, और आपको इसमें कुछ इफेक्ट लगाने हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं। आपको इसमें 3D रोटेशन देना है तो आप इसमें 3D रोटेशन दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। अगर आपको स्मार्ट आर्ट निकालना है तो यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है, जो भी स्मार्ट आर्ट लेंगे उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर वो स्मार्ट आर्ट बन जाएगा और ये स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये ऑप्शन आपके वही है जो आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में कर चुके हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा चार्ट का ऑप्शन। तो चार्ट में आप जो भी चार्ट लेना है हम केवल उसको क्लिक करेंगे, जैसे हमें ये वाला लेना है हम इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये हमारा एमएस एक्सेल में इसको ट्रांसफर कर देगा। आप देखिए ये सीट हमारी जो खुली है ये एमएस एक्सेल की खुली है। अब जैसे ही हम यहाँ पर कुछ डाटा में बदलाव करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर चार लिखा, तो देखिए डाटा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ये देखिए इस तरीके से डाटा चेंज होता रहेगा। आप इस डाटा को जैसे ही चेंज करते रहेंगे, ये यहाँ पर कैटेगरी के जैसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हिंदी आ गया, उसके बाद मैथ आ गया आपका, उसके बाद आपका साइंस आ गया। यहाँ पर आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर आपको नाम करना है तो आप नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर डाटा चेंज करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यानी कि आपका जो ग्राफ है उस पर भी डाटा चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद ये आपके सभी ग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है उनको चेंज कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है आपका एप्स फॉर ऑफलाइन। अगर आप एप्स फॉर ऑफलाइन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑनलाइन काम करता है जो आपके एप्स होंगे। ठीक है, तो इसको मैं नहीं कराने वाला हूं क्योंकि ये इररिलेवेंट है। उसके बाद आता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक को करने से के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट में हम कुछ लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया है। उसके बाद जब हम इंसर्ट पर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ पर हाइपरलिंक लगाना है, कोई लिंक लगाना है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे और जो भी फाइल हमें लगानी है उसको केवल यहाँ पर क्लिक करना, तो ये देखिए यहाँ पर लिंक बच चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये एक लिंक बन चुका है। ये लिंक यानी कि इसमें हमने दूसरी फाइल को अटैच कर दिया। उसके बाद आता है हमारा कमेंट। अगर मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाई है और हमें उस वहां पर कुछ कमेंट देना है तो सिंपल हम यहाँ पर कमेंट पर क्लिक करेंगे और इस कमेंट में हम इसके बारे में कुछ लिख देंगे, इस टेक्स्ट के बारे में। ठीक, उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक को हम यहाँ पर भी देख चुके हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक है और ये हमारे पास यहाँ एक और टेक्स्ट बॉक्स मिला है जो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, आता है हमारा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी। अगर हमें डेट और टाइम चाहिए तो हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ डेट एंड टाइम मिल जाएगा। अपडेट ऑटोमेटिकली, मान लीजिए आपने ये फाइल बना दी है और इसको सेव करके रख दिया है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा वो अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, जैसे आपने अभी बनाया और इस डेट को आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप केवल फिक्स पर क्लिक करेंगे तो ये डेट परमानेंट रहेगी। उसके बाद अगर आपको स्लाइड नंबर भी चाहिए तो आप स्लाइड नंबर भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ स्लाइड नंबर आ जाएगा। अगर आप फुटर भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ फुटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फुटर में कुछ भी चीज मेंशन कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर सबसे रथ कंप्यूटर
सेंटर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये आप चाहते हैं सभी में अप्लाई करना, यस अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी डेट, यहाँ पर आपका फुट और यहाँ पर आपका स्लाइड का नंबर, तो ये क्या है, ये सभी स्लाइड पर अब आपका शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट आर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको टेक्स्ट आर्ट लेना, जो भी आपको सेट लेना है उसको आपको केवल क्लिक करना है और यहाँ इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद ये आपका टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट खुल जाएगा और यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसमें कुछ कलर कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसका यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, या अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है हमारा डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए कहीं तो आप सिंपल डेट एंड टाइम भी निकाल सकते हैं, केवल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी फॉर्मेट लेना है उसको केवल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी डेट एंड टाइम भी निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आपको अगर स्लाइड नंबर देना है तो यहाँ से आप स्लाइड नंबर दे सकते हैं। तो ये देखिए स्लाइड नंबर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो स्लाइड नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या है कि आप एमएस वर्ड में, आप एमएस एक्सेल में काम करके निकाल सकते हैं, आप एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन हमारे इसमें लैपटॉप में सेव होंगी, मतलब इंस्टॉल होगी, वो सभी यहाँ पर तो हो जाएंगी और उसके बाद आप सिंपल उस पर क्लिक करके यहाँ पर उसको डाटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्कशीट पर क्लिक होकर हो जाएगा। फोटोशॉप में कोई काम करके आप निकालना चाहते हैं तो वो सभी एप्लीकेशन के थ्रू काम करके यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इक्वेशन लेनी है तो यहां पर कुछ रेडीमेड इक्वेशन मिलती है, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर आपकी इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर क्लिक किया और इंसर्ट में गया और यहां से इक्वेशन पर क्लिक किया और मैं ये इक्वेशन चाहता हूं, तो ये देखिए यहां पर मेरी इक्वेशन बनकर रेडी आ गई है। उसके बाद इक्वेशन पर अगर बात करते हैं तो ये इक्वेशन से रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको के को काट के यहाँ पर कोई सिंबल लगाना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ये सभी इस इक्वेशन के टूल बार हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या जो भी आप यहाँ पर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ आता है हमारा सिंबल। सिंबल में अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे मुझे कोई सिंबल निकालना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जो भी मुझे सिंबल चाहिए मैं केवल उस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई मीडिया वीडियो या ऑडियो निकालनी है तो उस ऑडियो या वीडियो क्लिप को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन निकालनी है तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं या अपने पीसी में से निकालना है तो हम यहाँ से अपने पीसी में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे मैंने वीडियो पर क्लिक करा और मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वीडियो यहां पर ऐड हो जाएगी। अभी ये वीडियो ऐड नहीं हो रही है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूं, ये वीडियो ऐड नहीं हो रही है क्योंकि ये हो सकता है इसके फॉर्मेट में ना हो। अगर हम ऑडियो निकालना चाहें तो ऑडियो भी सेम ऑनलाइन या ऑफलाइन निकाल सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि मेरे पास अभी कोई ऑडियो नहीं है तो आप यहां से ऑडियो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपका इंसर्ट टैब न्यू स्लाइड से लेकर ऑडियो तक। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैंने आपको नहीं कराए, नहीं कराए का मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो कराना नहीं चाहता हूं, ऑलरेडी वो आप एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड में कर चुके हैं, केवल यहां पर वो आपको प्रैक्टिस के पर्पज से करना है। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं बारीकी से तो आप इनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में जाकर इनको अच्छे से कवरअप कर सकते हैं और ये रिवीजन का टाइम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में वीडियो के बारे में जरूर बताइए क्योंकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपको इसी तरह की वीडियो में लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एमएस वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हम डिजाइन लेआउट करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।